हमारे गौतम जी को गौतम जी को क्या है? सीमा कहाँ से आई? मैं बरेली से हुँ? बरेली रामलीला गौटिया। अच्छा, थाना कौन सा है? थाना प्रेमनगर। किस पद आज चले ये मैं एक मेरे साथ एक घटना हुई है 16/7/2024 में हाँ। रात के 10:30 बजे हाँ। मेरा पड़ोसी का नाम मेहंदी हसन अंसारी है और उसकी वल्दियत है लाल मोहम्मद हाँ। जो कि बहुत ज़्यादा 3-4 महीने से ही पहले से ही वो हमसे विवाद कर रहा है, हर बारे में विवाद करता है। और अभी उन्हें परसों रात हमारे घर वालों पे, हमारे पड़ोसी पे, सब पे उन्हें पूरा एक दंगा करवा दिया और अपने घर में से पिस्टल निकाल के और फौड़ा निकाल के बहुत ज़्यादा हमला करा, अपने बच्चों के साथ ऊपर से पथराव करे, बहुत ज़्यादा उन्हें हम पे हमले करे, कि हमारे घर वालों के बच्चों के सबके सर फूट गए और छेड़छाड़ भी करी। महिला अफसर जो कि मैं हूँ सीमा, उसने मेरे साथ मुझे पकड़ के मुझे अंदर खींचा, तो मेरी पड़ोस में ये मेरी भाभी हैं, बाजी हैं, उन्होंने मुझे छुड़वाया उससे। तो बहुत ज़्यादा मैं उससे परेशान हो गई हूँ और अभी कोई पुलिस ने किसी भी तरीके से हमारी कोई सहायता नहीं की है। तो मैं चाहती हूँ उसके सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए और उसे सज़ा मिली जाए। और वो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मास्टर है, मेहंदी हसन। वो कहाँ रहता है? वो भी रामलीला गौटिया में रहता है। ये कब की घटना है? ये परसों रात की है, 16 तारीख की। मैं उनका बेटा हूँ, अकील अहमद का बेटा। अच्छा, क्या है आपके साथ में चोट वोट कैसी लगी? जी मेहंदी हसन ये घर में था, इनने 4-5 लौंडों को बुला के इकट्ठा करके ग्रुप को सब उसी एरिया के ग्रुप इकट्ठा करके हाथापाई शुरू करवा दी। डंडों से, लाठियों से मेरे सिर पे मारा गया, मेरी पीठ पे मारा गया, एक लड़के ने मेरे दांतों पे मारे, दांत तोड़ दिए और बहुत बुरी तरह मार रहे थे। और मेहंदी हसन कह रहा था और मारो, वो फौड़े निकाल के दे रहा था। इतने में हमारे घर वाले आए और बीच बचाव कर दिया। कितने लोग थे? कम से कम 25-20 लड़के थे उसी मोहल्ले के। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। थाने में कभी शिकायत करी थी आपने? शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल उसकी जमानत कर दी गई है, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बिठाया गया था चौकी में। आज एसएसपी ऑफिस से सर से मिले थे? सर ने कहा कार्रवाई की जाएगी। मैं अकील अहमद की बीवी हूँ और मेरे साथ घटना हुई, मेरे आदमी का सिर फोड़ दिया है, वो शुगर के मरीज हैं। अच्छा, और मेरे साथ भी वो फोड़ा लेकर छुरी लेकर आगे बढ़ लिया था और बीच बचाव पीछे भागी। तो उसने इस माने कर बहुत सता रखा, इसको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अच्छा इंसाफ वो मिल जाए, सहायता मिल जाए और सब काम अच्छा हो जाए, इसको सजा जरूर मिले।